गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो लेक्चर किया था उसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किया था कि हमारे नेफ्रॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हमने बोमन कैप्सूल के बारे में बात करी थी, तो वहाँ पर हमने किया पढ़ा था कि जो ये नेफ्रॉन है, ये सारा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द किडनी, क्योंकि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं किडनी के। तो नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके अलावा हम एक और टर्म साथ में यूज़ करते हैं कि नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, की ढांचा ही नहीं बना रहा, काम करने वाला हिस्सा भी किडनी में कौन है, नेफ्रॉन है। तो हम उसकी बात करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो क्या काम है नेफ्रॉन का, यूरिन फॉर्मेशन करना। तो यूरिन फॉर्मेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता बच्चे, इट इज इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेसेस। सबसे पहला है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्सॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। ठीक है, बुक में थोड़ा सा आपका पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने जो नोट्स में बनाए हुए हैं उनको बिल्कुल पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो आपने वीडियो के साथ उसमें आपने नोट्स को भी ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है, यूरिन जो फॉर्मेशन कर रहा है वो तीन प्रोसेसेस से कर रहा है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, तो एक एक करके हम इन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन वर्ड कहाँ से आया, ग्लोमुलर कहाँ से, फिल्ट्रेशन का मतलब छानना, ग्लोमुलर का मतलब बोमन कैप्सूल में जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा बना हुआ था, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, उसे हम क्या बोल रहे थे, ग्लोमुलस बोल रहे थे। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हमें पता है कि ब्लड वेसल जो एफरेंट आर्ट्रियोल थी वो ब्लड लेकर आ रही थी और यहाँ पर एक नेटवर्क बना हुआ था और फिर एग्जिट हो रही थी, उस एग्जिट वेसल को हम क्या बोल रहे थे, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये जो जाल बना हुआ है, अब ब्लड इसमें आ रहा है, ब्लड क्या है, दैट कंटेन वेरियस नाइट्रोजिनस वेस्ट, उस ब्लड के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पर आता है तो ये, जैसे आपने देखा होगा हम छन्नी यूज़ करते हैं चाय छानने के लिए, अगर उसमें मोटे आपने ब्रॉड छलनी ले ली है तो उसमें क्या होगा, आपकी चाय पत्ती के दाने भी नीचे छन सकते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं, बहुत बारीक छन्नी यूज़ करते हैं ताकि हमारी चाय बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन की तरह हमें मिल सके। तो ऐसे ही हमारे जो नेफ्रॉन है उसका जो बोमन कैप्सूल है वो बिल्कुल एक फाइन छन्नी की तरह बिहेव करता है ताकि हमारे जो ब्लड आ रहा है, अब हमें पता है ब्लड के अंदर तो बहुत सारे सेल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, तरह तरह के आयंस भी प्रेजेंट हैं, तो ये छन्नी इस तरीके से बनी हुई है कि कोई भी सेल जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्रोटीन्स कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, इस तरह की कोई भी प्रोटीन यहाँ से छनेगी नहीं। ये सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है, देयर विल बी नो सेपरेशन, सॉरी नो डिस्कार्ड ऑफ द सेल, यहाँ से कोई भी सेल नहीं छनेगा वो, क्योंकि इतनी फाइन बनी हुई है ये हमारे पास सीव कि जितने भी मोटी चीजें हैं जैसे हमारे ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी प्रोटीन्स हैं, वो सब ऊपर रह जाती हैं, नीचे सिर्फ छोटी से छोटी चीजें आएंगी, जैसे हम हाइड्रोजन आयन, यूरिया है या आपका वाटर है, ये सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर सेपरेट आउट होंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही कि यहाँ पर बोमन कैप्सूल में ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ये क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को छान रहा है और वेस्ट चीजों को ट्यूबुलर पार्ट में भेज रहा है और जितनी भी मोटी चीजें हैं वो यहीं पर रह जाती हैं और वो इफरेंट आर्ट्रियोल में एंटर कर जाएंगी। तो हमारा ब्लड यहाँ पर छन रहा है, इसलिए इस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। तो हम पर मिनट
कितना ब्लड क्षमता है हमारा ग्लोमुलस में, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय किडनी पर मिनट विच कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। हमने पढ़ा था ना कि अप्रोक्सीमेट 5 लीटर ऑफ ब्लड हमारा हर मिनट में वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी क्या चीजें लगी हुई हैं कि हमारा ब्लड क्या है, फिल्टर आउट हो रहा है। तो 3 तरह की लेयर्स प्रेजेंट हैं बच्चे यहाँ पर, 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन द ग्लोमुलस। सबसे पहली जो लेयर है वो ब्लड वेसल्स की है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमुलर ब्लड वेसल। फिर दूसरी जो लेयर है इपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, और उनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे हमने लंग्स की लेयर करी थी ऐसे ही है यहाँ पर। जैसे बात करें हम कि ये हमारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बन गया है, ये बोमेन कैप्सूल है, तो इसकी लेयर, फिर ये लेयर, और इनके बीच में क्या है, एक और बेसमेंट। तो 3 लेयर प्रेजेंट हुई हुई हैं ताकि कोई भी बड़ा सेल हमारे क्या है, ट्यूबुलर पार्ट में ना पहुंच सके। तो यहाँ से जो छना होगा उसमें क्या है, ना तो कोई ब्लड सेल होगा, ना कोई प्रोटीन होगी, सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट, वाटर और कुछ आयंस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये जो फिल्टर हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमुलस फिल्ट्रेट, जो यहां से निकल कर आएगा, जो छन कर आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब जो छना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो इपिथीलियल सेल है बोमेन कैप्सूल के, उसके सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अरेंज इन एन इंट्रैक्टेड मैनर सो एज टू लीव सो माइन्यूट पोर्स कॉल्ड अल्ट्रा सेल्स एंड सिल्ट पोर। जैसे ये जो बोमेन कैप्सूल की मेम्ब्रेन है, इसके जो सेल्स हैं ये ऐसे बने हुए हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट बोलते हैं। अब इन पोडोसाइट्स के बीच में क्या है, बिल्कुल छोटा सा पोर रह गया है, ठीक है। यहीं से क्या है, आपका ब्लड छनेगा, ब्लड के जितनी भी मोटी चीजें हैं, हैवी चीजें हैं, बिग साइज की चीजें हैं, वो ऊपर रह जाएंगी, और छोटी चीजें इन पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेस बना हुआ है इनके थ्रू फिल्टर हो जाएगा। तो ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास आउट of the lumen of the Bowman capsule। इसलिए हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इतना फाइन फिल्ट्रेशन है कि कोई भी हैवी चीज हमारी फिल्टर आउट नहीं होती है, वो ऊपर ही रह जाती है, सिर्फ लिक्विड पार्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमें बॉडी से बाहर निकालना है वो बाहर फिल्टर आउट होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं हम इसको, ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन बोलो। कई बार कहते हैं वाई ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो क्या बोलेंगे, इट इज सो फाइन फिल्ट्रेशन अकर थ्रू द बोमेन कैप्सूल विच डू नॉट अलाउ एनी बिग साइज पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। कोई प्रोटीन नहीं आएगी उसके अंदर, कोई ब्लड वैसे नहीं आएगा। तो एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है बच्चे, 1100 से 1200 ml, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यहां पर हर मिनट में कितना ब्लड आ रहा है बच्चे, 1100 से 1200 आ रहा है, और यहां पर जो छन रहा है उसका वॉल्यूम कितना बन रहा है, 125 ml। तो ये जो नीचे छन कर आई है चीज, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, और इस रेट को हम क्या बोलेंगे, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि पर मिनट कितना फिल्ट्रेट आ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट आ रहा है एक मिनट में, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो किसी भी हेल्दी पर्सन में पर मिनट में कितना ब्लड छनकर ट्यूबुलर पार्ट में पहुंच रहा है, 125 ml। तो पूरे दिन में हम कितना यूरिन बना रहे हैं, बना रहे कम है लेकिन कितना छना है, 180 लीटर्स पर
डे। यहाँ पर यही चीज समझने की बात है बच्चे कि इतना ब्लड यहाँ पर आया लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितना पहुंच रहा है 125। तो हम क्या कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन इतनी फाइन है कि कोई भी एक्सेस चीज इधर नहीं निकलेगी। पर मिनट इतना बन रहा है तो 24 आवर्स में हमारा कितना बन जाएगा 180 लीटर्स, है ना। लेकिन हम पूरे दिन में कितना यूरिन पास आउट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 2 लीटर्स, या ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं 3 लीटर जब हम एक्सेस पानी पी लेते हैं। तो 180 लीटर छना पूरे दिन में, लेकिन पूरे दिन में हम कितना निकाल रहे हैं यूरिन के थ्रू 2 लीटर्स। तो ये बाकी का क्या हुआ, तो बाकी का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसको जो सेकंड स्टेप होगा आपका वो क्या कहलाया जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन, कि हमारा फिल्ट्रेट तो 180 लीटर बन रहा है पूरे दिन में लेकिन हम निकाल सिर्फ 2 लीटर्स रहे हैं। तो बाकी क्या हुआ कि जितना भी यहाँ पर बोमेन कैप्सूल से यहाँ पर छन कर, ये जो येलो पार्ट है हमने पढ़े थे ना, पीसीटी बोलते हैं इसको, फिर हेनले ऑफ लूप आ जाता है, फिर डीसीटी आ जाता है, ये सारे क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है हमारे नेफ्रॉन के, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं नेफ्रॉन की, ये कप लाइक स्ट्रक्चर था। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आ कितना रहा है बच्चे, 125 ml पर मिनट आ रहा है। तो पूरे दिन में यहाँ पर 180 लीटर आया लेकिन हम यहां से कितना निकाल रहे हैं, 2 लीटर्स निकाल रहे। तो इसमें इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या हुआ कि 180 से कितना रह गया, 2 लीटर रह गया। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। री का मतलब दोबारा, एब्जॉर्प्शन मतलब खींच लेना, दोबारा से जो भी चीज छन कर आई है, जैसे वाटर कंटेंट हम मेन बात करेंगे कि वाटर दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि हमारे बॉडी में पानी की कमी ना रहे। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, ट्यूबुलर पार्ट में होता है। ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या आ जाएगा आपका, पीसीटी आ जाएगा, लूप ऑफ हेनले आ जाएगा, डीसीटी आ जाएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर्स विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर सजेस्ट दैट 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब। कहां से, रीनल टिब्यूल्स में, रीनल टिब्यूल ये वाला हिस्सा कहला रहे थे हम, जिसके अंदर पीसीटी आ रहा है, लूप ऑफ हेनले आ रहा है और डीसीटी आ रहा है। तो 180 ml बना लेकिन निकाल हम क्या रहे हैं, सिर्फ 1.5 या 2 लीटर। तो सारा का सारा जो फिल्ट्रेट है वो दोबारा खींच लिया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन। तो दोबारा से खींचने का जो प्रोसेस है बच्चे वो कई फॉर्म्स में हो सकता है। एक तो हम क्या कह सकते हैं, डिफ्यूजन कह सकते हैं, दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस कह सकते हैं, तीसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। ये क्या है, मूवमेंट कराने के लिए, कोई भी पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है इन तीन प्रोसेसेस से होती है। डिफ्यूजन आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि क्या है, कहीं पर जिसकी मात्रा कम है, ज्यादा है और वो कम मात्रा की तरफ चला जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे मैं बात करूं कि मेरे ट्यूबुलर पार्ट में सोडियम ज्यादा छन गया, ठीक है, और मेरे जो नियर बाय सेल्स हैं नेफ्रॉन के अराउंड, या हम कहें मेडुलर रीजन में जो सेल्स हैं वहां पर सोडियम का अमाउंट क्या है, कम है। तो जितना भी सोडियम यहाँ पर पीसीटी में आया है या लूप ऑफ हेनले में आया है वो सारा दोबारा कहाँ आ जाएगा, दोबारा से हमारे मेडुलर रीजन्स के सेल्स में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चले जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस, कि पानी की मूवमेंट। हम ऑस्मोसिस में सिर्फ किसकी बात करते हैं, वाटर की मूवमेंट, कि यहाँ पर वाटर ज्यादा है, यहाँ पर बाहर क्या है, वाटर कम रह गया है। जैसे मैं बात करूं कि मेरी ये
इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है और मेरी जो इफ्रेंट आरटीओल आ रही है उसके अंदर वाटर कंटेंट कम है, ये हमने देखा भी था, क्योंकि वाटर तो मैक्सिमम यहाँ पर छन गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ आपके ब्लड वेसल तो ब्लड सेल्स आ रहे हैं, आपकी प्रोटीन्स आ रही हैं। तो इस रेड पोर्शन में ये जो जाल बन रहा है इफ्रेंट आर्टियोल का, इसके अंदर वाटर कंटेंट क्या है, कम है, जबकि यहाँ पर वाटर कंटेंट क्या है, ज्यादा है। तो वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। वैसे ये सारे टर्म्स हम दोबारा जब प्लांट्स के बारे में बात करेंगे वहां पर भी आएगी। बस आपको ये समझना है, डिफ्यूजन में तो क्या है, कोई भी आयन मूव कर रहा है, ऑस्मोसिस में आप सिर्फ क्या ध्यान रखोगे, वाटर की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जब ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एनर्जी खर्च करी जाती है, जैसे मैं बात करूं कि हमारे इस ट्यूबुलर सिक्रीशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट आयन भी छन कर आ गया है, जैसे मैं कहूं पोटेशियम या मैं कहूं कैल्शियम। कैल्शियम तो हमारी बॉडी से बेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो बॉडी से बेस नहीं होने देने के लिए क्या होगा, कैल्शियम भले ही हमारी हड्डियों में बहुत ज्यादा है, नियर बाय सेल्स में बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना भी ट्यूबुलर में कैल्शियम छन कर आया है वो फिर भी नियर बाय सेल्स में चला जाए, भले ही छने हुए पार्ट में कैल्शियम का अमाउंट क्या है, कम है बच्चे, लेकिन फिर भी कैल्शियम उस छने हुए पार्ट से दोबारा नियर बाय सेल्स में चला जाएगा। तो अगेंस्ट हो रहा है, यहाँ पर पहले भी कंसंट्रेशन ज्यादा है कैल्शियम की, फिर भी कैल्शियम को हम इधर ही भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे हमें पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर चलानी पड़ती है, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको काम कराना पड़ रहा है। तो जब हमें किसी चीज में अगेंस्ट काम कराना पड़े उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऐसे करने के लिए क्या खर्च की जाती है, एनर्जी खर्च की जाती है। तो कैल्शियम आसपास के सेल्स में पहले ही ज्यादा है, मान लो 10 नंबर है, और इधर छनकर ही 2 आए हैं, ये 2 फिर भी दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे ताकि हमारे बॉडी से कैल्शियम की वेस्टेज ना हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है कि बहुत सारे प्रोसेसेस से आप एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब होता है जब एनर्जी नहीं खर्च करी जाती, और एक्टिव का मतलब होता है जब एनर्जी को खर्च किया जाता है, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और जहां पर हमें एनर्जी नहीं खर्च करी जाती उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, मेन तो यही पार्ट है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर इन द ट्यूबुलर रीजन। तो रीअब्सॉर्प्शन, दोबारा से छनी हुई चीजों को दोबारा से खींच लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा जो स्टेप होता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन में, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट आ रही है, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट। अब बहुत सारे डिफरेंट नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो इकट्ठी जुड़ जाएंगी। अब इस कलेक्टिंग डक्ट में से क्या है, अगर मान लो बहुत वाटर है आपकी बॉडी में, तो यहां पर दोबारा से वाटर छोड़ दिया जाएगा। अगर वाटर कम है तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, उस पानी को जो छन कर आया है पीछे से, उसको सोचेगा कि भी क्या मैं ये इतना वाटर वेस्ट होने दूं। तो यहां पर भी क्या है, आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने की बात हो रही है कि कोई एक्सेस ऑफ आयन ना चला जाए, कोई एक्सेस ऑफ वाटर यहां से ना चला जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन। ये क्या है, वेस्ट है हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में अमोनिया रह गया तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अमोनिया को ट्यूबुलर पार्ट में एंटर करवाने वाले पार्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन।
क्या करता है ये, हेल्प इन मेंटेनिंग द आयन बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड। हमारे जो बॉडी फ्लूड है, ब्लड है, उसकी कंपोजिशन को सही बनाने के लिए अगर उसके अंदर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट रह गया है तो दोबारा से उसे क्या है, कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर एंटर करवा दिया जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमारे फिल्टरेट बनाने के लिए या हम कहें यूरिन बनाने के लिए तीन स्टेप्स हो गए बच्चे, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्या है, फाइन फिल्ट्रेशन है जिसमें सिर्फ आयंस या वाटर ही फिल्टर आउट होता है, कोई भी हैवी चीज, ब्लड वेसल, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होती। और एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट आ रहा है, 125 ml आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो हम ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब है जो ट्यूबुलर पार्ट है आपका नेफ्रॉन का, जिसमें क्या क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। इनका क्या क्या रोल है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि ट्यूबुलर पार्ट में ही क्या होती है, रीअब्सॉर्प्शन। दोबारा से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज अगर छन गई है तो उसे क्या है, दोबारा से खींच लिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में से वो वेस्ट ना हो। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या रीअब्सॉर्ब होएगा, हेनले लूप में क्या होगा, हम इसकी बात करेंगे अब, ठीक है। तो क्या होगा, पीसीटी जो है वहां पर कैसे सेल्स प्रेजेंट है बच्चे, क्यूबॉइडल ब्रश बोर्ड, मतलब वहां के सेल्स क्यूब की तरह हैं और उनके ऊपर क्या है, छोटे छोटे धागे लगे हुए हैं ताकि सरफेस एरिया रीअब्सॉर्प्शन के लिए क्या है, बढ़ जाए, ठीक है। 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यहां पर रीअब्सॉर्ब हो जाते। तो मैक्सिमम, आपसे कोई पूछे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हो रहे हैं आपके, वो कहां पर होंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होगी, ठीक है। तो ये एसेंशियल है आपके आयन को मेंटेन करने के लिए, पीएच को, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पार्ट है हेनले ऑफ लूप, यहां पर रीअब्सॉर्प्शन बिल्कुल मिनिमम होती है। हमने पढ़ा था कि हमारा जो हेनले लूप है बच्चे, उसके दो पार्ट्स होते हैं। देखो, एक ये पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसे हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम क्या बोल रहे थे, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो हमारे हेनले लूप के दो पार्ट्स हैं। तो ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, सिर्फ वाटर की परमेबिलिटी को, जैसे हम बात करें कि ये जो डिसेंडिंग लिंब होती है, इट इज परमिएबल टू वाटर, मतलब इसके अंदर या बाहर पानी आ जा सकता है। इट इज परमिएबल टू वाटर, परमिएबल का मतलब आने जाने देना, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब जो अपने आर पार चीजों को आने जाने देती है। जो डिसेंडिंग लिंब है, इसमें सिर्फ क्या आर पार जा सकता है, पानी जा सकता है, नो आयन, कोई भी आयन नहीं आर पार जाएगा, ठीक है। पानी मूव कर सकता है, जैसे मैं बात करूं कि यहां से जो छनकर आ रहा था बच्चे, यहां पर बहुत सारा फिल्ट्रेट आ रहा है ना, तो यहां से क्या होगा, जितना भी फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से पानी निकल जाएगा, क्योंकि पानी ही निकल सकता है डिसेंडिंग लिम्ब में से, तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए ही परमिएबल है, तो यहां से पानी निकल जाएगा, ठीक है। पानी निकल गया, पानी निकल जाएगा तो क्या क्या हो जाएगी, वो चीज गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेटेड, गाढ़ी हो गई है वो। तो यहां पर आपका यूरिन क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया। अब दोबारा ये यहां से, अब ये कौन सी लिम्ब आ गई बच्चे, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब क्या होती है, परमिएबल टू आयंस, क्या होती है, परमिएबल टू आयंस, आयंस के लिए परमिएबल है ये, वाटर के लिए नहीं है। तो क्या होगा,
ये जो कंसेंट्रेटेड यूरिन आ रहा था असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, जितने भी आयंस हमारी बॉडी को जरूरत है वो दोबारा से यहाँ से खींच लिए जाएंगे, लेकिन पानी नहीं निकलेगा क्योंकि पानी के लिए परमिएबल नहीं है ये वाला पार्ट। तो क्या होगा, दोबारा से अब आयंस निकल गए, ठीक है, गाढ़ी चीज क्या है दोबारा से क्या हो गई, पतली हो जाएगी। पतली चीज को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। तो डिसेंडिंग लिम्ब में जो यूरिन है वो कंसेंट्रेट हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, दोबारा से पतला हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। ये चीज आपने यहां पर ध्यान रखनी है, इसका रोल हम आगे पढ़ेंगे अभी जाकर, ठीक है, क्या रोल करते हैं, ऐसा करने से क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखें, डिसेंडिंग लिम्ब क्या कर रही है, वाटर को खींच रही है, और असेंडिंग लिम्ब क्या कर रही है, आयंस को खींच रही है, ठीक है। और कोई रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी हेनले लिम्ब, यहां पर सिर्फ यही बात है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, सोडियम आयन का ये रीअब्सॉर्प्शन होती है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की, ठीक है, कुछ हाइड्रोजन आयंस हो रहे हैं, पोटेशियम आयंस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन होगी मेनली सोडियम और पोटेशियम आयंस की। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड वर्ड जहां पर आ गया बच्चे, इसका मतलब वहां पर पानी कम है। डाइल्यूट जहां पर वर्ड आ रहा है उसका मतलब क्या है, उसके अंदर पानी का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो कलेक्टिंग डक्ट का मतलब का रोल क्या है, कि अगर वाटर एक्सेस में जा रहा है तो उसको क्या है, दोबारा से रीअब्सॉर्ब करना, ताकि हमारी बॉडी में से वाटर की कमी ना हो। जैसे आपने कई बार नोट किया होगा कि जब आप पानी नहीं पीते तो आपका यूरिन जो है वो हाईली डार्क कलर का हो जाता है, हाईली येलोइश कलर का, बहुत डार्क येलो दिखाई देता है आपको, और स्मेल के भी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आयंस हैं बच्चे, उसके अंदर अमोनिया कंटेंट, यूरिया कंटेंट एक्सेस में है। लेकिन जब आप एक्सेस में वाटर ले रहे हो तो तब हमारी बॉडी को चिंता नहीं होगी पानी को बचाने की, क्योंकि आपने बॉडी को पहले ही एक्सेस पानी दे दिया है। तो उस वक्त आपका जो यूरिन निकलेगा वो क्या निकलेगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में, आपको थोड़ा लाइट येलो कलर का दिखाई देगा और इतनी स्मेल भी नहीं होती। तो जो वाटर कंटेंट है, वाटर का जो रोल है वो यही है कि अगर आपकी बॉडी में कम है, पानी की कमी है, तो कलेक्टिंग डक्ट में से क्या होगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। लेकिन आपने बॉडी को पहले ही पानी बहुत ज्यादा दे रखा है, कोई कमी नहीं है, तो रीअब्सॉर्प्शन वाटर की जरूरत ही नहीं है। तो कलेक्टिंग डक्ट का रोल क्या है, ये देखना कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन की जरूरत है कि नहीं। अगर जरूरत है तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी आपकी कलेक्टिंग डक्ट में, ताकि हमारी बॉडी का आयनिक बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो ये था कि कौन कौन से प्रोसेस से हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि कैसे हम यूरिन को कंसंट्रेट बनाते हैं, कैसे हम अपने बॉडी में पानी की कमी को दूर करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।